खबर देहरादून से है, जहां पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत को कांग्रेस हाईकमान ने बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। जानकारी के अनुसार पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत को आगामी विधानसभा चुनाव के लिए उड़ीसा का ऑब्जर्वर बनाया गया है। बता दें कि हरक सिंह रावत हरिद्वार से टिकट के दावेदारों में शुमार थे, लेकिन जिम्मेदारी मिलने के बाद माना जा रहा है कि हरक सिंह अब चुनाव नहीं लड़ने वाले, जिसको लेकर बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता गौरव पांडे ने हरक सिंह रावत पर तंज कसते हुए कहा कि उत्तराखंड में हरक सिंह रावत की राजनीति पारी समाप्ति की ओर है, कांग्रेस हरक सिंह रावत को लेकर अब सीरियस नहीं है। वहीं बीजेपी के इस बयान पर पूर्व नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस विधायक प्रीतम सिंह ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस विधायक प्रीतम सिंह का कहना है कि जो लोग राजनीति में रहते हैं वहां उतार चढ़ाव आते ही रहते हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा जिस तरीके से चाल चरित्र और चेहरा राजनीति में लाकर चल रही है, ये सब लंबे समय तक नहीं चलने वाला। देहरादून से ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। हरक सिंह रावत उत्तराखंड के एक सीनियर नेता है, वो कई बार एमएलए रहे हैं, कैबिनेट मंत्री रहे हैं और अभी हरिद्वार से लोकसभा की तैयारी भी कर रहे थे। मुझे ऐसा लगता है चुनाव से ठीक पहले जिस तरह कांग्रेस ने उनको उड़ीसा में भेज दिया है, मुझे लगता है कांग्रेस भी उनको सीरियस नहीं ले रही है। और जिस तरीके से उनके ऊपर सीबीआई का ईडी का मुकदमा चल रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि अब कहीं ना कहीं हरक सिंह रावत का राजनीतिक पारी समाप्ति की ओर है। और ये हरक सिंह जी को भी सोचना चाहिए कि चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस ने उन्हें उड़ीसा क्यों भेज दिया, किस कारण से भेजा। और मुझे ऐसा लगता है उत्तराखंड में अब हरक सिंह रावत की पारी समाप्ति की ओर है। देखिए, जो लोग राजनीति में रहते हैं उतार चढ़ाव आते रहते हैं, और अगर ईडी की कार्रवाई हरक सिंह जी पर करवा करके भाजपा ये समझ रही है कि उनकी उनका राजनीतिक जीवन जो समाप्त हो गया, तो मैं समझता हूँ कि उन्हें इस तरीके की बात कहनी भी नहीं चाहिए थी। और इस भुलाव में ना रहें कि जिस पर ईडी की कार्रवाई हो जाती है तो वो द्वारा राजनीति में सक्रिय नहीं हो सकता। हरक सिंह कांग्रेस में सक्रिय है और ईडी से वो घबराए नहीं है, और अभी कांग्रेस आला कमान ने उन्हें उड़ीसा की जिम्मेदारी सौंपी है। तो मैं समझता हूँ कि ये भाजपा जिस तरीके का चाल चरित्र चेहरा राजनीति में लाकर के अपने विरोधियों को कुचलने का प्रयास कर रही है, बहुत लंबे समय तक चलने वाला है।